सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिम पठान और आप देख रहे हैं आपका चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस। दोस्तों, आज हम लवबर्ड और कॉकटेल, इस दोनों तरीके के जो बर्ड हैं उसके बारे में हम बताएंगे कि आपको कौन सा सॉफ्ट फूड देना है। काफ़ी सारे व्यूवर जो हमारे चैनल पर हैं उनका कहना यह था कि भाई सॉफ्ट फूड बता दीजिए लवबर्ड और कॉकटेल के लिए, तो दोनों को ही मैं एक ही साथ लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ सॉफ्ट फूड में लवबर्ड को देते हैं वही चीज़ कॉकटेल को दी जाती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको 7 दिन का रूटीन बताने वाला हूं, अगर आप वही चीज़ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो लवबर्ड के जो चिक्स वगैरह निकलते हैं, कॉकटेल के जो चिक्स निकलते हैं, जिनकी ये शिकायत मिलती है कि या तो वो मोशन से मर जाते हैं या फिर फीमेल उनको फीड नहीं कराती इसलिए मर रहे हैं, तो वो सारी दिक्कतें इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी और फीमेल भी उनको फीड कराएगी और बच्चों को मोशन भी नहीं लगेगा और इंशाल्लाह बच्चे जो होंगे उसके बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले दिन से, यानी कि संडे में आपको क्या देना है। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको कुछ दिन पहले बजीज़ के बारे में बताया था, बजीज़ के ऊपर मैंने एक सॉफ्ट फूड डाइट बताई थी, उसी तरीके से पहला और दूसरा दिन सेम वही रहने वाला है। तो मैं आपको इस वीडियो में फिर भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हो। तो पहले दिन जो आपको देना है, आपको 4 चीज़ मार्केट से परचेज करके लानी है। वैसे तो आपके पास घर में वो अवेलेबल हमेशा रहती है किचन वगैरह में, लेकिन आपको मार्केट से अगर आप लेकर आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप ले आएंगे, जितना मैं आपको वेट बता रहा हूँ उसी वेट के हिसाब से आप मार्केट से ला सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लाना है 1/2 किलो चने। आपके सामने फोटो आ रहा होगा, चने कौन से वाले लाने हैं आप क्लियर रहेगा उसमें, आप फोटो दे सकते हैं। 1/2 किलो चने लाने हैं आपको, उसके साथ साथ 300 ग्राम गेहूं उसके अंदर मिक्स करना है, और गेहूं मिक्स करने के बाद 100 ग्राम आप देख सकते हैं ये हरी वाली मूंग की दाल, आपको सामने फोटो आ रहा है वो ले सकते हैं, और इसके साथ साथ हरी मूंग की दाल के साथ साथ आप 100 ग्राम आप मसूर की दाल ले लें। ये चारों फोटो आपके सामने आ रहे हैं और वेट भी इस पर लिखा हुआ है, तो आप इसको इतना ले लें, इसको मिक्स करके किसी डिब्बे वगैरह के अंदर आप उसको रख दें। तो ये आपका हो गया 1 डे का, यानी कि पहले दिन का आपका ये रूटीन तैयार हो गया। ये आपको कैसे देना है, 24 घंटे भिगोना है आपको। 24 घंटे भिगोने के बाद आप इसको अगले दिन अपने लवबर्ड्स और कॉकटेल को दोनों को दे सकते हैं, जो भी आपके पास रखा हुआ हो। तो दोस्तों, ये वो तो हो गया फर्स्ट डे का, संडे का। अब सेकंड डे आता है मंडे। मंडे में आपको बॉयल्ड राइस देने हैं। अब देखिए दोस्तों, सर्दी आ चुकी है, ठीक है, स्टार्टिंग हो चुकी है सर्दी की, और चावल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो उसकी तासीर को चेंज कैसे किया जाएगा। पहली बात तो आप इसको बॉयल करके देना है, ठीक। बॉयल करने के बाद आप ये काम कर सकते हैं, जिस पानी में आप बॉयल कर रहे हो उसमें छोटा सा पीस अदरक का डाल सकते हैं, बहुत छोटा सा पीस अदरक का। ये नहीं कि आप भर के बड़ा सा अदरक डाल दें, वो नहीं करना है, बस छोटा सा पीस डालना है। जितनी भी आपके पास बर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजे से डाल सकते हैं, अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए तो भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये देखें कि छोटा सा पीस होना चाहिए। जितना पीस आप, जैसे कि सर्दी में चाय वगैरह बनाते हैं आप, तो चाय में जितना अदरक पड़ती है 1 कप चाय में, तो उतनी ही अदरक आप डाल सकते हैं, बहुत थोड़ी सी। तो इससे क्या होगा, अदरक की तासीर गर्म होती है और आपके परिंदों के अंदर गर्मी बनी रहेगी, और चावल की तासीर जो होगी ना बॉयल्ड राइस की, वो गर्म हो जाएगी, और आपके जो चिक्स वगैरह होंगे लवबर्ड वगैरह या कॉकटेल की, उनको नुकसान नहीं होगा। इसी तरीके दोस्तों, जब आप बजीज को बॉयल्ड राइस दें सर्दियों में, तो उसमें भी आप इस तरीके से अदरक मिला सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगी आपके बजीज के लिए। दोस्तों, अब बात कर रहे हैं थर्ड डे की, यानी कि तीसरे दिन ट्यूसडे में आपको क्या देना है। तो ट्यूसडे में आप इनको गेहूं दे सकते हैं भिगोकर। आप सोच रहे होंगे गेहूं तो मैंने पहले बताया था फर्स्ट डे में तो जैसा बताया था वैसे देना है मिक्स करके, लेकिन जब वो ट्यूसडे आएगा थर्ड डे, तो आप इसको खाली गेहूं देना है, ठीक है। और इसका तरीका क्या है कि आप इसको 24 घंटे भिगोएं पहले, 24 घंटे भिगोने के बाद इसको देना है अगले दिन, और इसको ऑफर करने से पहले इसको ठीक से उसको वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर कुछ काई टेरी की जम जाती है, स्मेल आने लगती है, उसको ठीक से वॉश कर ही अपने परिंदों को दें। और दोस्तों, गेहूं के साथ साथ आप इसमें थोड़ी सी लौकी या फिर गाजर, अगर मार्केट में मिल जाती है, सर्दी का टाइम चल रहा है, लौकी या फिर गाजर दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो मिल जाए वो आप इसको दे सकते हैं। इससे ये होगा इनके अंदर विटामिन वगैरह की जो कमी होगी वो भी कम्प्लीट होती रहेगी। तो दोस्तों, डे 4 यानी कि फोर्थ डे आपको वेडनेसडे में क्या देना है। तो वेडनेसडे में दोस्तों आप इनको बॉयल्ड एग दे सकते हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम शुरू हो चुका है, और ये जो डाइट मैं आपको बता रहा हूँ पूरी, ये अक्टूबर 2 फरवरी तक की डाइट है, तो
टाइम जो होता है थोड़ा ठंडा मौसम होता है और हफ्ते में एक बार आपके बर्ड को एग फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे होता क्या है, इसके अंदर जो प्रोटीन्स और दूसरे कैल्शियम वगैरह की जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है और बर्ड के अंदर एक गर्मी बनी रहती है, बच्चे वगैरह जो सर्दी नज़ले से जो शिकार हो जाते हैं उससे बचे रहेंगे। और दोस्तों बात यहाँ बॉयल्ड एग पे ख़त्म नहीं हुई है, आपको बॉयल्ड एग जो देना है वो हार्ड बॉयल करना है, किसी तरीके से अंदर तक अच्छा ना रहा है, अच्छी तरीके से बॉयल करना है और उसके बाद जो उसका जो छिलका होगा वो उतार के आप उसको फेंक दें या फिर उसको कहीं और जमा कर लें, क्योंकि कुछ लोग आपके वीडियो में देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं उसकी जो छिलके वगैरह हैं वो मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों ये गलती मत करिएगा, अगर आप एग फूड के अंदर छिलका वगैरह डाल देते हैं तो उससे होता क्या है, जो उनके मेल फीमेल जो बड़े माँ बाप होते हैं इनके, वो तो एग फूड के साथ साथ छिलकी भी खा जाते हैं और छिलके खाने के बाद जब वो अपने बच्चों को फीड कराते हैं तो वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाते छिलके उसके, उसको काफ़ी टाइम लगता है गलने के अंदर, तो वो क्या करते हैं वो वही छिलके उनके अपने बच्चों को खिला देते हैं और जब बच्चों को फीड करा रहे होते हैं तो वही छिलका जो होता है ना वो खड़ा हो जाता है, वो छिलका यानी कि वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है, वो जाके उनके हलक में अटक जाता है और बच्चों की डेथ हो जाती है। और ये जो मसले हैं मेरे साथ आ चुके हैं बजरी के अंदर, लबड़ के अंदर तो अभी तक मसले नहीं आए क्योंकि मैं छिलके वगैरह के साथ नहीं देता, लेकिन बजरी के साथ बहुत मसले आते थे, मैं देखता था कि उनके मुंह से ब्लड आ रहा है, जब जब मैं छिलके वगैरह मिक्स करके देता था तब तक उनके, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चों के साथ होता था, करीब 50-60 बच्चे हैं तो 50-60 में से एक दो के साथ ये मसले मुझे हमेशा देखने को मिलते थे जिस दिन मैं एग फूड देता था। तो छिलकों के लिए मैं ये कहूँगा कि छिलके मिक्स ना करें, छिलके मिक्स करने हैं तो पहले उसको सही से वॉश करें छिलकों को, काफ़ी सारे छिलके इकट्ठे करें कई दिन के और 30-35 एग के छिलके इकट्ठे करने के बाद उसको सुखा कर सही से वॉश कर कर धोकर उसको ड्राई करके उसको मिक्सर में पाउडर बना के तब आप रख लें। तो जब जब आप एग फूड या फिर बॉयल्ड राइस दें तो उसके अंदर आप एक दो चुटकी मिला सकते हैं, तब तो फ़ायदा है, अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट छिलके देंगे तो मसले क्रिएट होने होने। और दोस्तों एग बॉयल करने के बाद उसको छोटे छोटे पीस में आप क्रश कर सकते हैं, वैसे तो लबट के लिए ज़्यादा छोटा क्रश नहीं करना होता, थोड़े थोड़े बड़े टुकड़ों में आप उसको नाइफ वगैरह से काट के दे सकते हैं छोटे छोटे पीस में, और साथ में छोटे छोटे पीस आप गाजर के मिला सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, एग फूड के अंदर आप गाजर मिला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर ब्रेड मिलाएं या फिर रस्क वगैरह मिलाएं या फिर रोटी वगैरह मिलाएं, वो कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर गाजर के पीस मिला सकते हैं। उसी तरीके से जो मैंने एक बार बजीज के लिए बताया था मैंने आपको कि इसमें आप बिस्किट वगैरह मिला सकते हैं, तो अगर आपके पास बिस्किट अवेलेबल नहीं है तो आप गाजर मिला सकते हैं छोटे छोटे पीस करके। तो एग फूड के अंदर कोई भी कोई लाजमी नहीं है कि आपको लाजमी इसमें रस्क मिलाना है या फिर ब्रेड के पीस मिलाने हैं या कोई भी चीज़ मिलानी है, तो उसमें ज़रूरी नहीं होता है। हाँ बस ये कह सकते हैं कि सिंगल में नहीं देने चाहिए इनको एग, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में एग चले जाएगा इनके पास, तो एग फूड जब भी दिया जाता है कुछ ना कुछ उसमें मिलाया जाता है, तो आप गाजर मिला सकते हैं, गाजर बहुत अच्छी चीज़ है, गाजर और एग दोनों चीज़ पहुँचेंगी, गाजर थोड़ी ठंडी होती है और जो एग होता है वो गर्म तासीर होती है, तो दोनों की तासीर मिल के पहुँचेगी तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं पाँचवें दिन की, यानी कि थर्सडे में आपको क्या देना है, तो थर्सडे में आप इनको काले जो चने होते हैं वो इनको भिगो के दे सकते हैं लबड़ और अपने कॉकटेल को, क्योंकि चने जो होते हैं ये बहुत शौक से खाते हैं और चनों की समझ लिए एक मेन डाइट इनकी चना है सॉफ्ट फूड के अंदर। अगर आप अपने लबड़ या कॉकटेल को चना या गेहूँ ये दो चीज़ जो है नहीं दे रहे तो समझ लीजिए आप अपने लबड़ और कॉकटेल की सेहत के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि इनकी पसंदीदा जो सॉफ्ट फूड हैं वो चने होते हैं। और अगर आपके लबड़ और कॉकटेल चने खा रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे वो और बहुत ही ज़्यादा उनके फायदे की चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और आपके परिंदों को प्रोटीन की ज़रूरत बहुत होती है ब्रीडिंग सीजन में, उनके चिक्स के लिए भी और उनको जो एग वगैरह वो ले करते हैं उसके लिए भी प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको ये जो डाइट बता रहा हूँ मैं ये बहुत अच्छी डाइट है, ये आप मॉर्निंग में दे सकते हैं। अब दोस्तों छठे दिन क्या करना है, यानी कि जो फ्राइडे का दिन आएगा उसमें आपको क्या देना है, फ्राइडे में दोस्तों आप इनको मेथी दे सकते हैं, सर्दी का टाइम चल रहा है मेथी दे सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा इनको पालक मत दिएगा, पालक जो होता है ना वो लबड़ को सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ मैं पालक देकर, पालक देने के बाद इनको हल्के हल्के मोशन टाइप के लग जाते हैं, और ये प्रॉब्लम मैंने कॉकटेल वालों के पास सुनी है, कॉकटेल को भी अगर ज़्यादा पालक दे दिया जाए या फिर पालक दे दिया जाए वो भी थोड़ी इस तरीके की प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आप जो है ना पालक की जगह मेथी दे सकते हैं, मेथी बहुत अच्छी चीज़ है, गर्म भी होती है सर्दी के हिसाब से और इनकी ब्रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा फायदा करती है। अब दोस्तों बात करते हैं सैटरडे की, सैटरडे में आपको क्या देना है, तो दोस्तों सैटरडे में आप अपने लबड़ और कॉकटेल को भुट्टा दे सकते हैं, भुट्टा भी ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, भुट्टा भी आपको देना है जो अंदर से उसके दाने वाइट वाइट तरीके के होते हैं, वाइट वाले जो दाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें एक रस टाइप का होता है, उसको बहुत शौक से खाते हैं आपके लबड़ और कॉकटेल। और दोस्तों जब भुट्टा मार्केट में मिलना बंद हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको चक्की वाले के पास जाना है,
उनके पास भुट्टे के जो सूखे हुए दाने होते हैं वो मिल जाते हैं मार्केट में, आराम से मिल जाते हैं वो, तो चक्की वालों के पास ज़्यादातर मिल जाते हैं, वो उसका आटा वगैरह बना के बेचते हैं। तो आप उनसे कह सकते हैं कि भाई इनको छोटे छोटे पीस में कर दीजिए, यानी कि दलिया बना दीजिए इसका। तो दोस्तों वो भी आप ला सकते हैं, वो भी 24 घंटे भिगो के आप अपने लब्बड़ और कॉकटेल को दे सकते हैं। अब दोस्तों इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, हर तरीके के जो सॉफ्ट फूड बताए मैंने आपको भिगोने के लिए, जब भी आप भिगोया करें एक पैर के हिसाब से एक चम्मच यानी कि एक टी स्पून के हिसाब से भिगो दिया करें। दोस्तों अगर कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आपको अगली बार जब भी वीडियो बनाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।